हेलो एवरीवन। तो नीट एग्जामिनेशन पोस्टपोनमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी पीआईएल फाइल किया गया, उसका जो डिसीजन आना था वो दोस्तों आ चुका है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये कहा है कि देखिए ये मेरे हाथ में नहीं है, आप इसके लिए एनटीए को जाकर कहें। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल फाइल जो किया गया था उसको सीधे सीधे डिसमिस कर दिया और उन्होंने कहा कि आप सीधा जाकर के आप एनटीए से गुहार लगाए, फिर एजुकेशन मिनिस्टर ही कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए बिल्कुल भी कुछ चीजें बिल्कुल नहीं सोची, और उसके जो पीआईएल फाइल किया गया था वो भी कितने दिन समय लेकर, अगर यही करना था तो वो पहले कर देते ना, लगभग 10 दिन का समय लिए। पहले तो 31 को होना था, 31 को नहीं करके 3 को होना था, 3 को नहीं हुआ, अब 6 तारीख को अब जाकर के उसके फाइल को जो वो डिसमिस कर दिया। तो दोस्तों अब हम सभी के पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, एजुकेशन मिनिस्टर। अगर एजुकेशन मिनिस्टर चाहेंगे तो वो एग्जामिनेशन पोस्टपोनमेंट में अपनी भागीदारी दे सकते हैं, वरना मुझे नहीं लगता अगर एजुकेशन मिनिस्टर चाहते ना तो बच्चे को सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अब मुझे लगता है कि बस अपनी तैयारी को करिए, 9 तारीख को आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं, यानी कि आज से 3 दिन बाद। 3 दिन तक अगर एजुकेशन मिनिस्टर आकर के हम लोग के साथ लाइव इंटरेक्ट कर ले तो बहुत ही अच्छी होगी। तो हम लोग अब एजुकेशन मिनिस्टर से थोड़ी सी गुहार लगा सकते हैं कि प्लीज वो लोग लाइव आकर के एजुकेशन मिनिस्टर हमें कुछ ना कुछ अपना आश्वासन दे। ठीक है एग्जामिनेशन लेना है लीजिए, लेकिन कम से कम अगर आश्वासन दीजिए कि प्लीज जितने भी बच्चे हैं वो आराम से जाकर के एग्जामिनेशन दीजिए, क्योंकि बच्चे अभी भी बहुत ज्यादा प्रेशर में है। तो एजुकेशन मिनिस्टर से हम विनती करेंगे कि प्लीज वो लाइव आए एक दिन के लिए। ठीक है ना, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको दोस्तों पता चली होगा कि पीआईएल फाइल जो रद्द हो गया है, अब सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस चुका है, वो रहा है एनटीए। उन्होंने कहा है कि एनटीए ही चाहेगी तो एग्जामिनेशन पोस्टपोन कर सकती है, उसके अलावा और कोई नहीं। ठीक है ना, और एनटीए तो कह रहा है कि हमसे कुछ हो ही नहीं सकता, हमें सिर्फ एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का मेरे ऊपर जिम्मा है, एग्जामिनेशन पोस्टपोन करने का नहीं। एग्जामिनेशन पोस्टपोन करने का जिम्मा एजुकेशन मिनिस्टर के हाथ में है। तो अब एजुकेशन मिनिस्टर बचे तो अब एजुकेशन मिनिस्टर जो चाहेंगे वही होगा। चलिए देखते हैं एजुकेशन मिनिस्टर से हम लोग गुहार लगाते हैं। धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।